नमस्कार दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी कोई ना कोई शहर में, बिहार के कोई भी शहर जैसे पटना, भागलपुर, दरभंगा और भी छोटे मोटे शहर जो भी है, और वहाँ पे आपने देखा होगा कि सुधा जो है, सुधा मिल्क पार्लर खुला हुआ होता है, जहाँ से आप आइसक्रीम, सुधा मिल्क और दही वगैरह खरीदते हुए लोगों को आपने देखा होगा, या फिर आपने भी कभी ना कभी खरीदा ही होगा। तो जो है इसी आइसक्रीम पार्लर के लिए जो है, सुधा मिल्क पार्लर के लिए जो है भर्ती निकाली गई है, तो इस भर्ती में जो है आप शामिल हो सकते हैं। तो कैसे शामिल होंगे, क्योंकि ये जो है बहुत दिनों के बाद इसमें वैकेंसी वगैरह जो है वो आई है, और वो भी जो है बिहार मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत इसमें निकाला गया है। तो मैं आपको, देखिए, सुधा मिल्क का साइट पे भी लिंक वगैरह आ चुका है, न्यू एप्लीकेशन का आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, ऑफिशियल साइट पे भी लिंक वगैरह आ चुकी है, देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सुधा मिल्क बोथ इन गवर्नमेंट अलॉटेड लैंड अंडर 7 निश्चय प्रोग्राम, ठीक है। तो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो है ये आइसक्रीम पार्लरों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो क्या है सूचना, पूरी पहले देख लेते हैं, उसके बाद आवेदन के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए नोटिफिकेशन जो है, आवेदन का नोटिफिकेशन जो है वो अखबारों में प्रकाशित कर दी गई है, आप देख पा रहे होंगे, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है, आप देख सकते हैं, राज्य स्तर के लिए निकाला गया है, राज्य सरकार के 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के अंतर्गत सुधा होल डे मिल्क पार्लरों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रण, ठीक है। तो जो मैंने आपको अभी आपको पार्लर जो है मैंने आपको दिखाया, तो यही पार्लर जो है आपको आवंटित किया जाएगा। इसमें आपको सुधा का जो है प्रोडक्ट बेचना है, और इसमें जो है आपको अच्छा खासा जो है कमीशन मिलता है, सैलरी नहीं मिलेगी, आपको इसमें कमीशन दिया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कैसे, क्या क्या और डिटेल आई हुई है। देखिए बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड पटना की इकाई नालंदा डेयरी बिहार शरीफ के क्षेत्रा अधीन राज्य सरकार के 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के अंतर्गत सुधा उत्पादों के विपणन में वृद्धि के साथ साथ बिहार राज्य के व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से, ठीक है, स्वरोजगार देने के उद्देश्य से नालंदा, नवादा, शेखपुरा जिला में जिला प्रशासन और संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमुख 14 स्थलों पर प्री फैब्रिकेटेड सुधा होल डे मिल्क पार्लरों का निर्माण कराया गया है, जिसका आवंटन किया जाना है। तो आवंटन का मतलब है जो व्यक्ति उसको लेना चाहते हैं उसको आवंटन किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हो तथा पात्रता पूरी करते हो से सुधा मिल्क पार्लरों के आवंटन हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दाता जो है निविदा प्रपत्र एवं निविदा का नियम व शर्त जो है कॉम्फेड की वेबसाइट sudha.coop से या rozgarbihar.com से डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा नालंदा डेयरी बिहार शरीफ के लेखा शाखा से निविदा प्रपत्र शुल्क भुगतान कर दिनांक 26/10/2024 के संध्या 5 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर निविदा दस्तावेज की उपलब्धता जो है वो 7/10/2024 से 26/10/2024 तक फॉर्म भरकर जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 30/10/2024 संध्या 5 बजे तक निर्धारित की गई है। तो देखिए 30/10/2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन आवेदन जो है, आप जो एड्रेस यहाँ पे बताया गया नालंदा डेयरी बिहार शरीफ के लेखा शाखा से भी आवेदन पत्र प्राप्त करके उसको भर के जो है वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। तो लास्ट डेट जो है वही है 30 अक्टूबर 2024 तक आपको अपना आवेदन करना होगा। अब देखिए कहाँ कहाँ ये खुलना है, और देखिए इसमें कुछ पैसा भी आपको लगेगा। जब आपको आवंटन हो जाएगा, यानी जब आपका नाम सेलेक्ट हो जाएगा कि ये वाला जो है आपको मिलने वाला है, एक जगह निर्धारित की जाएगी जहाँ पे आपको ये आवंटन किया जाएगा। जैसे नवादा, जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन के अनुसार बताया गया, देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये बनाया गया और कहाँ आपको मिलेगा। वो जब सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको कुछ पैसा भी लगेगा। फिलहाल देखिए यहाँ पे अनुमंडलीय अस्पताल परिसर
राजगीर में ये खुला हुआ है, नालंदा में। इसकी जो है प्रपत्र का शुल्क जो है वो 1,000 रुपये है, ठीक है। आवेदन करने का शुल्क 1,000 रुपये है। जब आपका आवंटन हो जाएगा, जब आपका आवंटन हो जाएगा, आपको मिल जाएगा पार्लर, तब आपको अग्रधन यानी डिपॉजिट के रूप में, सिक्योरिटी मनी के रूप में 10,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका आवंटन हो जाएगा तो आप बीच में छोड़ के भाग ना जाए, इसलिए जो है आपको 10,000 रुपये का सिक्योरिटी मनी दिया जाएगा, ठीक है। और रेफरल और जो स्वेच्छा के अनुसार 1 साल के बाद तक जो अगर आप छोड़ते हैं इसको, इस जो काम को, तो आपको ये पैसा जो है 10,000 वो लौटा दिया जाएगा, ठीक है। रेफरल अस्पताल परिसर चंडी में ये खुला हुआ है, ठीक है, बना हुआ है, जहाँ जहाँ के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर सरमेरा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। रेफरल अस्पताल परिसर कल्याण बीघा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कल्याण बीघा आपको पता ही है, कल्याण बीघा जो है बिहार के मुख्यमंत्री का गांव है, तो यहाँ के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। राजकीय डेंटल महाविद्यालय परिसर पैठाना नालंदा में भी आप आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर रहुई के लिए आवेदन कर सकते हैं। होटल गौतम विहार परिसर राजगीर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर अस्थावा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर रजौली नवादा के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, प्राथमिक राज स्वास्थ्य केंद्र परिसर गोविंदपुर नवादा के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर अकबरपुर नवादा के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर गिरहिंडा शेखपुरा के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर बरबीघा शेखपुरा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और मद्य निषेध कार्यालय परिसर शेखपुरा के में भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो 3 जिलों के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई है, नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और बिहार के कोई भी जिले के आप हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ ये कहा गया है कि बिहार के ही निवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी झारखंड, उत्तर प्रदेश वगैरह के लोग जो है इसमें शामिल नहीं हो सकते, यानी जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं उन्हीं को इसमें आवेदन करने का मिलेगा मौका। आप किसी भी जिले से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए, अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए निविदा को रद्द करने का जो है अधिकार सुरक्षित रहेगा। तो इसमें आवेदन करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी था, देखिए आवेदन करने के लिए सुधा की वेबसाइट पे लिंक जारी कर दी गई है, ठीक है। सुधा बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल साइट पर आइएगा तो यहाँ पे लिंक जारी कर दी गई है, जिसपे इस पर क्लिक करते ही देखिए ये आपका लिंक जो है, पोर्टल जो है ऑनलाइन के लिए खुल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लॉग इन ऑलरेडी अप्लाइड, जो पहले से आवेदन कर चुके हैं उनके लिए ये वाला सेक्शन है, और जो नया आवेदन करेंगे, देखिए न्यू एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे है, तो इस पे भी आप क्लिक करके जो है नया आवेदन कर सकते हैं। जैसा इस पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन पैनल खुल जाता है। लॉगिन पैनल में देखिए यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप अपना आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो आवेदन करने का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह भी लगेंगे, आवासीय वगैरह लगेगा, सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा, तो क्या क्या लगेगा ये सब की जानकारी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है जैसा ही मैं वीडियो डालूँ तो वो वीडियो आपको मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत करने लगते हैं कि आप एक पार्ट बना दिए, दूसरा पार्ट नहीं बनाए। तो ऐसा ये है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दूसरा पार्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।